वाहेगुरु जी फतेह। मेरा नाम जगदीत सिंह है जी, तरन तारण जिले तो। भाजी वेखण तो कहना जी एक रुतबा बहुत वधिया दिता वा हरिमंदर साहब गोल्डन टैंपल आते देशों विदेशों से दुनिया आँदी है, पर मैनू ये चीज़ वेख के बड़ा शर्म आ रहा कि 2 घंटे तक मीह बारिश पई आ तो इन्ना पानी खड़ गया 1.5 फुट खोल हो गया। तो इतों के प्रशासन जी श्रोमणी कमेटी हज़ारा रुपया लखा रुपया ला रही है, तो आह चीज़ जी अपने फर्द पत्थर ला रहे थे थले सीवर तो कोई चंगे पवा दें। बिल्कुल बिल्कुल भाजी, उन्हों की कमी है तो ता ही यह काम हो रहा वा। जो उन्होंने कमी के कोई सुधार हों कोई चंगा काम करते तो खलो सकता है, फिर तुम आ गए सू सवाल पूछ सकते। बस ये भाजी जिदा होंगे नहीं गड्डियां भर भर के, जिदा एक पिछे या कल परसों वीडियो आई है कि एक ट्रैक्टर चढ़ाता वा कंपनी ने, एक ट्रैक्टर नवा दिता श्रोमणी कमेटी को। मैं क्या चीज़ा ही लै के बस वीडियो पा सकते कि सरोपा भेटा कर सकते हैं, पर जी संगत आने वाला रस्ता वा हम देखो संगत बैग उन्होंने सारे खराब होते हैं, मतलब रिश्ते कपड़े कुपड़े सारे खराब हो रहे हैं, संगत भिज के जा रही है कि उन्होंने वास्ते सहूलत की है। एक बंदे ने कमरा लेना उन्होंने तो भी 1,500-1,200 रुपया इतने कमरा मिलता होटल एसी, कोई ना सराह कोई बनाई है कि बंदे संगत आने जाने वास्ते कोई खिलौन वास्ते। अस मैं अमृत कौर, मेरा नाम है, मैं लुधियाना सिटी तो हाँ। देखो पानी अपने आप से अपनी कहानी बयान कर रहा है, मैं सारी संगत तो यही सुन रही हाँ कि बना के की करना सीगा। उस तो पहला असी इन्ने आराम नाल आते जाते सीगे, तो जदों की स्ट्रीट बनी है ऐसी खूबसूरती का की फायदा जिंदे सानू कोई सुविधा ही नहीं है कि छोटे बच्चों के नाल लोग पानी चो डुब डुब के जा रहे हैं, बुजुर्ग सिर पर 3-3 लगेज रख के तुरे जा रहे हैं। मेरे ख्याल से जो कोई थोड़ा बहुत भी सेंसिटिव इंसान है वह आके देखेगा कि संगत का इन्ना बुरा हाल हो रहा है, तो कुछ तो अगले शर्म आनी चाहिए इन्होंने हालातों के उत्ते। बिल्कुल प्रशासन की ही नाकामी है, पब्लिक की तो नहीं है, पब्लिक तो बेचारी एडजस्ट करके जिदा के भी हालातों में है लंघती जा रही है, यह बिल्कुल प्रशासन की ही नाकामी। जे तुम इन्ना पैसा ला के किसी चीज़ को सुविधाजनक नहीं ना बना सकते फिर खूबसूरती अपने आप कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल पहुँचती है कि मैं नहीं पहुँचती, देखो अज के टाइम जो संगत इन्ना दान इन्ना चढ़ावा खुले दिल नाल दरबार साहब चढ़ाती है, लोग सोना चढ़ाते नहीं सोचते, बिल्कुल गुरु रामदास के चरणों सारा कुछ ही अर्पित कर देंगे। जे असं उन्होंने इन्नी भी सुविधा चलन फिरन की भी नहीं दे सकते तो असं करते कि फिर इतने इन्ना पैसा असं क्यों पब्लिसिटी करते हैं कि असं हैरीटेज बनाई है, असं इन्ने करोड़ लगाया है। संगत तो बिल्कुल मन में ठेस पहुँचती है, ये उन्होंने गुरु का घर है, असं उन्होंने एक साफ रस्ता नहीं चलने लिए दे सकते। बिल्कुल फेल है, बिल्कुल ही फेल है। मेरा नाम हरविंदर संधू है। हरविंदर जी की कहना चाहते जी, बरसात बहुत ज्यादा अद्धा अमृतसर डुबदा नजर आ रहा है। भाजी सारा शहर तुम अद्धा कह रहे हो, मैं थोड़ा क्लैरिफाई करदा कि 90% शहर डुब गया बारिश करके, तो हर जगह जो सीवरेज है ना वह ब्लॉकेज होनी है, पानी निकासी का कोई जगह नहीं हैगी। सरकार पता नहीं की कर दी पाइं, हूँ हैरीटेज स्ट्रीट देख लो, इन्ना पैसा ला के इन्होंने हैरीटेज स्ट्रीट बनाई सी, इतने अद्धा घंटा बारिश आज ता इन्ना पानी खड़े रहता है, तो अच्छे सुख ना सवेर की बारिश होन दी है, तो जिनी संगत इतने आ रही दरबार साहब मत्था टेकन दूरों दूरों आती है वो की प्रभाव लैके जाएगी इतों। बिल्कुल करना चाहिए जी, बिल्कुल ये साढ़े शहर की बहुत वड्डी नलायकी कह मैं कह सकता इनू के जेडे टूरिस्ट दूरों दूरों आते हैं गोल्डन टैंपल मत्था टेकन या जलियाला बाग देखन या बॉर्डर देखन, तो वो जो इस रास्ते से हम गुजरन तो की अपने नाल कि याद लैके जाएंगे कि उत्थे गोडे गोडे पानी सीगा, उत्थे सरकार ने कुछ नहीं किया, इन्ना वधिया हैरीटेज स्ट्रीट लुक तो ही देती सरकार ने, तो उन्होंने अगे कॉन्टीन्यू और साफ सफाई रखने का जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, या जेडे इतने के कौंसलर ने जेडे इतने के MLA ने उन्होंने चाहिए सब कुछ देखना।